वंदे मातरम मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं मैं आपका शुभचिंतक हरकेश चौहान, आपके अपने YouTube चैनल जो हमारे दो हैं, आपको पहले ही बताया था, ऊर्जा थेरेपी तथा ऊर्जा थेरेपी 2 के अंतर्गत। आज आपको मैं कुछ नहाने के तरीके बता रहा हूं। आयुर्वेद में वैसे तो कई प्रकार के स्नान होते हैं, जैसे गज स्नान, तरारा स्नान, मेहन स्नान, कटी स्नान और साथ में रीढ़ स्नान, ऐसे और भी हैं। तो अभी मैं आपको एक स्नान बता रहा हूँ जिससे आप माताएं बहनें वे भाइयों पुरुषों के सभी गुप्त रोग दूर हो सकते हैं। कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, अपच, पेट में गैस तेजाब बन रहा, कब्ज हो जाना, आईबीएस संग्रहणी इसमें भी काम करेगा, नजला जुखाम खांसी बुखार इसमें भी काम करेगा और सिर दर्द में भी काम करेगा। जिसको जोड़ों में दर्द है वो गर्म पानी से करें, जिसको नजला जुखाम है वो भी गर्म पानी से करें, जिसको शरीर में गर्मी बनी हुई है जैसे माता बहनों को श्वेत पर्दर हो जाता है, माहवारी बहुत ज़्यादा आती है तो वे ठंडे पानी की, ठंडा मतलब मटके जितना, इससे ज़्यादा नहीं, और जिसको ब्लीडिंग बहुत कम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब माहवारी बहुत कम आए, वो गर्म पानी से करें। और जिस भाइयों को वीर्य क्षीणता हो वो नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से करें। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उनको गर्मी लग रही है, बार बार नज़ला जुखाम हो रहा है, खांसी बुखार हो रहा है, तो निवाए पानी के साथ करें। कब्ज हो रही है तो ठंडे पानी के साथ करें। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो नॉर्मल पानी के साथ करें। कहने का मतलब बड़ा ज़बरदस्त योग है ये, इसमें आप भूख को भी शांत कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भूख लगे उसको भी कर सकते हो, इसको भूख बिल्कुल कम लगती है वो भी कर सकता है, और किसी की नाभि धारण मणिपुर चक्कर गड़बड़ है वो भी कर सकता है, वो नॉर्मल पानी के साथ करें। इसमें करेंगे क्या, पहले आप पानी पी लीजिए, पेट भरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी के द्वारा आपने पानी को एक नीले रंग का टब ले आना। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास टब है लेकिन छोटा है और इसमें फिर टब में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने टब लिया। और निर्वस्त्र हो जाना आपको, अपने बाथरूम में स्नान गृह में आपने करना है। एक टावल लेंगे, उसको पानी में से भिगोएंगे, भिगोने के बाद जैसे अप्रिन पहनते हैं आप उसको ऐसे लगा लेंगे, जैसे मैंने लगा लिया, मान के चलो किसी को सिर में दर्द भी जोड़ों में दर्द रहता है तो पूरा नीचे तक चला गया आपका, ये पूरा नीचे तक आ चुका है मेरा और मैंने ऐसे इसको लगा लिया अप्रिन की तरह से, यहाँ पे मैंने गांठ लगा लिया है, ठीक है। किसी को सिर में दर्द भी रहता है और तो आप पूरा यहाँ तक जाने दीजिए, ऐसे पानी में आप बैठ के, टावल आपका गीला होना चाहिए, ये पानी से फुल भरा हुआ आपका यहाँ तक मान के चलते पूरा कलेजे तक आ गया। जब ये टावल सूखने लग जाए पानी भर के आप मग्गे से ऐसे डालते रहेंगे, ठीक है, और कुछ समय पास आप बैठे रहे हैं तो ऐसे करके बैठे रहेंगे आप आराम से, ये शक्ति मुद्रा लगा के, और साथ में आपको मूलबंध लगाना है, आपके जो गुप्त अंग है और आपके गुदा द्वार को ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना, खींच के रखना है और ढीला छोड़ना है, बीच में आप ये करेंगे अश्विनी मुद्रा और मूलबंध। आप कोई सूती कपड़ा लेंगे, पानी में डूबो के ऐसे ये घुटने से लेकर पूरा नीचे हमारे यहाँ पर योनि द्वार गुप्तांग तक माताएं बहनें ऐसे करेंगी, ये पूरा पानी में भीग के इसको पानी में भिगोएंगे ना, और ऐसे करना है पूरा, और गीला करके पूरा इस तरह से मसाज, एंटी क्लॉक अपने नाभि के चारों तरफ, पेट के चारों तरफ करना कलेजे तक, फिर इस तरह से मसाज करना है इन पसलियों की यूँ पूरा, ठीक है, और ऐसे पड़ के ऊपर की तरफ इसको उठाना है पेट से, इस कपड़े के द्वारा पूरा नीचे से ऊपर तक इस तरह से पूरा पूरा नीचे तक गुदा द्वार तक लेके जाएंगे मालिश करते हुए पानी के साथ, बीच बीच में आप पानी डालते रहिए यहाँ पे, अगर आपको प्यास लगे तो पीते रहना। ये तो है जिसको माता बहनों को, भाई पुरुष को पौरुष शक्ति कम हो गई है, वीर्य क्षीणता हो गई है, माता को श्वेत पर्दर हो गया है, माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, उनमें सब में काम करेगा। जोड़ों में दर्द है फिर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पानी में बैठना है निवाय पानी के अंदर, मतलब ना गर्म ना ठंडा, बीच का ये टावल गीला है और ये वाला भी एरिया आपका गीला है, लेकिन गर्म पानी नहीं होना चाहिए, वार्म अप वाटर होना चाहिए निवाया, उसमें बैठे रहना है बस, फिर आपको मुद्रा लगानी है। ध्यान रखना पैरों में स्लीपर पहन के बैठना बहुत ज़रूरी है, इसके द्वारा आप अपनी सारी बीमारियाँ दूर कर सकते हो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, आपका पेट से संबंधित बीमारियाँ, सभी बीमारी का अचूक नहाने का तरीका है, तो आप ये करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें।
और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। धन्यवाद, वंदे मातरम।